الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا ويدلكم देश के अंदर आज ईद मनाई जा रही है और पूरे देश के लोग आज ईद की नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। हम हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के लोगों को आज ईद की मुबारकबाद देते हैं और रहमत का आज महीना है। अल्लाह से हम लोगों ने दुआ किया कि अल्लाह हिंदुस्तान में अमन शांति भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ चलें और भारत को आगे ले जाएं, हिंदुस्तान को आगे ले जाएं। हिंदुस्तान की तरक्की तभी होगी जब सब कोई मिलकर चलते हैं, एक साथ चलेंगे। और त्यौहार का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को समझने का, मोहब्बत का, सेवई खिलाने का, हिंदू भाई को सेवई खिलाने का, एक दूसरे से गले मिलने का, यही इसी को कहते हैं मोहब्बत। पैगाम देता है ईद मोहब्बत का। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हुआ है जिसकी खुशी में हम लोगों ने आज ईद की खुशी मनाई है और नमाज़ पढ़ के दुआ किया है अल्लाह ताला से कि हमारा देश हिंदुस्तान सबसे ऊँचा नाम हो, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो, विश्व गुरु बने और तरक्की करे, आगे बढ़े और जितने भी यहाँ में हिंदू मुस्लिम भाई से मिलजुल कर रहें पूरी दुनिया में मिसाल कायम हो, गंगा जमी तहजीब कायम रहे। हम अमन चैन के लिए मांगते हैं इलाहाबाद प्रयाग वालों के, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में एकता के प्रतीक के लिए, उनके लिए एकता के लिए दुआ मांगते हैं। हम लोग एकता बनी रहे, खुशहाल रहे। ईद की मुबारकबाद इसीलिए दे रहा हूँ कि हमारी एकता हमेशा कायम रहे।